बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ एरिस्टोटल कंट्रीब्यूशन। लेट्स स्टार्ट। एरिस्टोटल बिलीव दैट द ट्रूथ नॉलेज इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। एरिस्टोटल ने ये बात कही थी कि हमारी जो जितनी भी इन ट्रू नॉलेज है वो हम ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमें किस काबिल बनाती है? ऑब्जर्वेशन टेंड टू मेक जजमेंट्स एंड डिसीजन। ऑब्जर्वेशन हमें जजमेंट और डिसीजन बनाने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, हमारी अप्रोच जो होती है वो ऑब्जेक्टिव हो जाती है। मतलब कि हम ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे फोकस करते हैं, ना कि हार्ड एंड फास्ट रूल पे, सब्जेक्टिव चीज़ों पे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि एरिस्टोटल रिजेक्ट इंट्रोसेप्शन। एरिस्टोटल ने इंट्रोसेप्शन को रिजेक्ट किया था। इंट्रोसेप्शन होती है कि अपने अंदर ही बात को देखना। मतलब जो पहले दो ग्रीक फिलोसोफर हमने पढ़े थे, हमने डिस्कस किए, उनमें उन्होंने इंट्रोसेप्शन की बात की थी। इंट्रोसेप्शन में उन्होंने ये कहा था कि अ पर्सन लुक इन साइड फाइंड एनी सोल्यूशन। मतलब कि एक बंदा अपने अंदर देखेगा तो उसे सब कुछ मिल सकता है। लेकिन एरिस्टोटल ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें ऑब्जर्वेशन से नॉलेज मिलती है। सेकंड, उसने प्लूटो के इस व्यू को भी रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं नॉलेज को इंक्रीज करने में। इस बात को भी उसने रिजेक्ट कर दिया था। एरिस्टोटल ऑल्सो डिस्क्राइब टू टाइप ऑफ ह्यूमन मोटिव्स। अब एरिस्टोटल ने कहा कि इंसान के सिर्फ दो ही मोटिव हैं जिंदगी में, सिर्फ दो ही मोटिव हैं जिसमें वो जिंदगी गुजारता है। एक इंसान, एक उसके प्राइमरी मोटिव होते हैं और एक उसके सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं। प्राइमरी मोटिव्स में आर बेसिक मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स में हमारी बेसिक नीड्स आ जाती हैं, यानी कि हमें शेल्टर चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें जॉब चाहिए। हमें ये सारी चीज़ें किस लिए चाहिए? ताकि हम अपने आप को नरिश कर सकें, हम अपने आप को सेव कर सकें, सेफ रख सकें। ये हमारे प्राइमरी मोटिव्स हैं, हर बंदा इन पे काम करता है। नेक्स्ट थे सेकेंडरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव्स आर दोज हु विच आर लर्न्ड ऑर्गेनिज्म एंड दीज दोज हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी कि सेकेंडरी मोटिव्स को आप इस तरह समझें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों को देख के सीखते हैं और दूसरों के देख के हमें तमन्ना होती है करने की। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एक हमारे सामने बंदा कामयाबी हासिल कर रहा है तो हमारा भी दिल करेगा हम इसकी तरह मेहनत करें और हम कामयाबी हासिल करें। तो ये हमारा सेकेंडरी मोटिव हो जाएगा। मतलब हमने किसी को देख के ये बात सीखी है कि हमने इसी की तरह कोई अपना मोटिव बना लिया या इस तरह का कोई हमने अपना वो बना लिया, मकसद बना लिया जिसको हम हासिल करेंगे। अब एरिस्टोटल की एक और बहुत ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन थी, उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पे बात की थी। उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को बताया था कि हर इंसान, हर बंदा, हर मखलूक अल्लाह की, हर इंसान जो है, मर्द हो औरत हो, वो हर एक दूसरे से अलग हैं। उनका माइंड अलग है, उनकी पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, उनके डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनके अंदर। उन्होंने कहा था कि एक बंदा जो है वो अपने डिफरेंसेस के साथ ही पैदा होता है। उसके अंदर जितने भी डिफरेंसेज हैं ना, उसके साथ ही पैदा होता है। उसकी एबिलिटी स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसकी थिंकिंग डिफरेंट होती है। लेकिन लेटर ऑन लाइफ में जैसे जैसे वो लाइफ गुजारता है तो उसको पता चलता जाता है कि उसमें क्या क्या डिफरेंट है लोगों से और वो किस तरह से डिफरेंट है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जब हमारा माइंड पूरी इन्फ्लुएंस लेता है एनवायरनमेंट से। मतलब हमारा माइंड उस वक्त बहुत ओपननेस में होता है और हम अच्छे से अच्छी चीज़ को भी सीखते हैं और बुरे से बुरी चीज़ को भी एक्सपीरियंस करके सीख जाते हैं। मतलब चाइल्डहुड जो है वो इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस पर इंसान हर चीज़ से, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरिस्टोटल ने जो था कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस दिया था। कैथारसिस जो है एक प्योरिफिकेशन मेथड है इमोशन का। स्ट्रेस और एंजाइटी कि जो हमारे पास आते हैं डिसऑर्डर, उनमें ये यूज्ड होता है, उनकी थेरेपी में ये बेसिकली यूज़ होता है, कैथारसिस इसको कहते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों पार्ट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।